लोगों का इंतजार यहाँ खत्म हुआ, मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो रोटावेटर की अलसील समस्या के समाधान के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि यार वीडियो में आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है यार, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा यार, व्हाट्सएप ही कीजिएगा, मैं आपको पूरा सपोर्ट दूंगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके और आप देख रहे हैं एग्रीटेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों रोटावेटर में आयल सील समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यार हम यहाँ पर साइड वाला टैंक खोलेंगे। टैंक खोलने के लिए नीचे जो बॉटम पे लगी होती है डेप्थ स्किड, उसको खोलेंगे। आप देख रहे हैं यार, ये डेप्थ स्किड एक तरफ इस नट से, दूसरी तरफ भी ऐसे ही नट से कसी होती है। डेप्थ स्किड खोलने के बाद हम रोटावेटर का जो ये बॉक्स है इसके नट खोलेंगे। यार कई रोटावेटर में 18 नट लगे होते हैं, कई रोटावेटर में 20 नट लगे होते हैं। तो जितने भी नट लगे होते हैं यार, उन नटों को आप खोल लीजिएगा। खोलने के बाद यार इसके और प्लेट के बीच में पैकिंग लगी होती है, पैकिंग को सेफली रिमूव कर लीजिएगा। उसके बाद आपको डिब्बा खुल जाएगा। डिब्बा खुलने के बाद आपको तीन गियर दिखेंगे जो इस तरह के गियर होते हैं। अब गियर को खोलने के लिए यार आपके पास रिंच और सही टूल होना चाहिए। उसके लिए आपको खोलना पड़ेगा इनके कैस्टल नट को। कैस्टल नट को खोलने के लिए आपके पास यार पेचकस और प्लास तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें लगा होता है पिन। पिन को निकालेंगे उसके बाद ही आपका कैस्टल नट खुलेगा। तो आइए खोलते हैं कैस्टल नट को। अब कैस्टल नट को खोलने के बाद यार एक एक करके गियर को करेंगे रिमूव। गियर रिमूव करने के बाद जो है इसका ये हम खोलेंगे यार साइड प्लेट, जो आप देख पा रहे हैं इसमें। साइड प्लेट को खोलने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले गियर का जो नट लगा होता है यार, 6 नट, इस नट को रिमूव करेंगे। उसके बाद प्लेट कसी होती है 4 नट बोल्ट से जो बॉडी में, उस नट को भी रिमूव करेंगे। और उसके बाद यार अंदर से आप रूटर का रिमूव करेंगे नट, जो लगा होता है 8 नट 24 नंबर का। इस नट को रिमूव करने के बाद यार आपका प्लेट निकल जाएगा। तो आप देख लीजिए कि रूटर में नट कैसे लगा होता है और कहाँ से आपको रिमूव करना है। तो ये आप देख रहे हैं यार, रूटर का नट ये है। उसके बाद ये रूटर का नट आप जब खोल लेंगे तो फिर आपका प्लेट हो जाएगा रिमूव। प्लेट रिमूव होने के बाद आप उसको प्लेट को निकाल लीजिएगा। प्लेट निकालने के बाद आपको ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें हम यार सबसे पहले निकालेंगे स्टेप एक्सल को। स्टेप एक्सल ये जो आप देख रहे हैं, इसमें आप पहले कैस्टल नट को कस लीजिए। उसके बाद आपके पास कोई भारी हथौड़ी या फिर कोई ऐसा भारी आइटम हो जिससे आप इस पर कर सके चोट, तो ये निकल जाएगा यार पीछे की ओर। तो आइए इसमें हम करते हैं चोट और निकालते हैं इस स्टेप एक्सल को। तो दोस्तों मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया है ताकि यार वीडियो में समय कम लगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कर लिया है रिमूव। अब रिमूव करने के बाद देखिए आप, इसमें ये जो स्पेसर लगा होता है, ये आप जो लाइन दिख रही है यही है इसकी मेन वजह, जो आपका आयल सील हो जाता है ड्रेन, क्योंकि आयल सील इसी पे चलती है यार, ये कट जाता है। तो उसके लिए हम आयल सील भी रिमूव कर लेंगे। और आयल सील रिमूव करने के बाद हब आपको ऐसे बिल्कुल क्लियरली दिखने लगेगा। बिल्कुल क्लियरली जब आपको हब दिखने लगेगा यार, तो अब इसमें हम एक एक करके लगाएंगे आयल सील को। तो सबसे पहले लगाएंगे आयल सील को। आयल सील लगाने के लिए आयल सील का टूल आता है। अगर आपके पास टूल है तो अच्छी बात है, अगर टूल नहीं है तो आयल सील के बराबर कोई टुकड़ा को रखिए और उसके बाद हथौड़ी से आप उस पर चोट कीजिए। चोट करने के बाद आयल सील धीरे धीरे जाके सरफेस में फिट हो जाएगी। आयल सील फिट करते वक्त आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है यार कि आयल सील प्रॉपरली फिट होनी चाहिए। आयल सील फिट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हब में और आयल सील में 140 नंबर गियर ऑयल लगा लीजिए ताकि आयल सील आसानी से लग जाए। जब आयल सील आपकी लग जाएगी तो आयल सील सरफेस के बराबर आ जाएगी, ना ऊपर रहेगी ना नीचे रहेगी। फिर उसके बाद यार ऊपर से हम उसमें फिट करेंगे बियरिंग को, जो किसी रोटावेटर में 6311 लगा होता है, किसी किसी रोटावेटर में 6309 लगा होता है। उसको यार लगाने के लिए भी आपके पास टूल होना चाहिए। तो मेरे पास तो भाई टूल है। अगर आपके पास टूल नहीं है तो फिर वही कहानी है, उसके बराबर कोई आप टुकड़ा ढूंढिएगा लोहे का, उसके बाद उसको उस पर रखिएगा और उसके बाद आप छेनी हथौड़ी घन जो भी है आपके पास उससे आप चोट करेंगे तो आपका ये बेयरिंग बैठ जाएगा। उसके बाद आप लॉक लगा दीजिएगा। अब आइए लगाते हैं यार उसमें स्टेप एक्सल को। स्टेप एक्सल को हब में लगाने से पहले यार आयल सील पे और स्टेप एक्सल पे आप ईपी 140 नंबर गियर ऑयल लगा दीजिएगा ताकि आसानी से ये जाए बैठ। और उसके बाद फिर वही कहानी है यार, आपको हथौड़ी से चोट करनी है ताकि ये बैठ जाए। दोस्तों आपको चोट तब तक करनी है यार जब तक ये प्रॉपरली बैठ ना जाए, लेकिन बीच बीच में आपको स्टेप एक्सल को नचाते रहना है। नचाना इसलिए है यार ताकि स्टेप एक्सल कहीं तिरछा ना बैठ जाए। अगर स्टेप एक्सल तिरछा बैठ जाएगा तो आपका ये सारा जो मेहनत आप कर रहे हैं वो हो जाएगा बेकार। तो
तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आप यार उसको नचा के चारों तरफ से ही आराम से चोट कीजिएगा ताकि बैठ जाए आसानी से। अब आप देख पा रहे हैं यार हमारा ये स्टब एक्सल बैठ गया है हब में। अब जब स्टब एक्सल हब में बैठ गया है यार, तो अब इस प्लेट को हम जैसे रिमूव किए थे रोटावेटर से, वैसे ही अब इस प्लेट को उसमें फिर से करेंगे रीइंस्टॉल। तो आइए करते हैं रीइंस्टॉल। रीइंस्टॉल करते वक्त यार जो नट हमने रिमूव किया था उस नट को फिर से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो साइड के चार नट दिख रहे हैं आपको, ये आप लगा लीजिएगा और ऊपर का जो गियर वाला है वो लगा लीजिएगा। लगाने के बाद धीरे धीरे उनको कर दीजिएगा टाइट। टाइट करने के बाद आपका ये हो जाएगा। तो उससे पहले यार लेकिन आप जो आपने रूटर से 8 नट रिमूव किए थे 24 नंबर वाले, वो भी आप लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर उसको नहीं लगाएंगे तो इसको अगर आप टाइट कर देंगे तो फिर वो आपको लगाने में बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो आप देख लीजिए हम कर रहे हैं टाइट, आप भी इसको टाइट कर लीजिएगा। और डस्ट कवर को लगाना मत भूलिएगा, डस्ट कवर लगी रहेगी तो एल सील जो है आपकी ज़्यादा दिन चलेगी। उसके बाद हम अपना गियर लगा देंगे। गियर लगाने के बाद कैस्टल नट जो हमने रिमूव किया था, उस कैस्टल नट को फिर से हम उसमें लगाना शुरू कर देंगे। और लगाने के बाद उसमें जो पिन लगा हुआ था सेफ्टी पिन, वो लगाना मत भूलिएगा यार, क्योंकि सेफ्टी पिन से ही वो कैस्टल नट को खुलने नहीं देता है। तो कैस्टल नट लगा के उसके बाद हम चेक करेंगे यार हमारा गियर आसानी से नाच रहा है कि नहीं नाच रहा है। अगर फ्री है तो ठीक है, अगर नहीं फ्री है तो थोड़ा फ्री कर दीजिएगा। और उसके बाद यार आप अपना जो साइड केबिन यानी साइड बॉक्स जो आपने रिमूव किया था उस पर आप लगाइएगा ऑयल सील। अगर ऑयल सील रबड़ की है तो यार क्या कहते हैं उसका एडहेसिव आता है, उसको बोलते हैं यार क्या कहते हैं पेस्ट आता है, उसको आप देख लीजिएगा वो लगा दीजिएगा। और अगर लेदर वाली आयल सील है तो भाई आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेदर वाली आयल सील डायरेक्टली उसमें आराम से बैठ जाएगी। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यार हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और आगे दोस्तों आपको और भी वीडियो इस पर हम दिखाएंगे कि गियर कैसे रिमूव करना है, गियर की बैरिंग कैसे बदलना है, मेन बैरिंग कैसे बदलना है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों इसमें हम यार अपना जो EP140 नंबर गियर ऑयल होता है जो रोटावेटर में पड़ता है, वो गियर ऑयल ज़रूर डालिएगा। गियर ऑयल डालने से पहले आप रोटावेटर को चलाइएगा मत, क्योंकि अगर आप रोटावेटर को चला देंगे तो फिर आपका जो मेहनत आपने किया है वो हो जाएगा बेकार, क्योंकि यार गियर जो होता है वो EP140 नंबर ऑयल पे ही चलता है क्योंकि कटने ना पाए। तो फिर आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में यार दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।